सो हे पोके आर्मी, कैसे हो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज मैं करने वाला पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का एपिसोड 2 तुम्हें एक्सप्लेन, वो भी हिंदी में। तो यार बने रहना एंड तक यार, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत कुछ हुआ है, यानी एपिसोड 2 में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई है और मज़ेदार चीज़ें हुई है। तो यार एंड तक ज़रूर देखना। और दोस्तों अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक के बटन को भी दबाना ताकि मुझे मोटिवेट मिले, और कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे थॉट्स इस सीरीज के बारे में। तो चलो लेट्स गेट टू द वीडियो। दोस्तों एपिसोड जो है वो स्टार्ट होता है एक बार के साथ, जो कि ऑलमोस्ट होना ही है पोकेमॉन के वर्ल्ड में। उसके बाद हमें दिखाया गया ऐश का रूम। ऐश के रूम में स्नोलैक्स का जो डमी है वो पड़ा हुआ है, और ऐश जो है अभी तक सो रहा है। पर चिंता नहीं यार, वो अब तक सोते नहीं बैठेगा, क्योंकि भाई पिकाचू जो उठ जाता है और ऐश को उठाने की कोशिश करता है, पर ऐश उठता नहीं है। और पिकाचू जो है अलार्म बंद करने जाता है, तो ऐश अलार्म को लेता है और फेंक देता है एज़ यूजुअल और तोड़ देता है। सो इसे देख के पिकाचू को गुस्सा आता है और पिकाचू उसे थंडरबोल्ट दे देता है। सो उसके बाद भी ऐश उठता नहीं है, पर उसी टाइम उसकी मम्मी आती है, बोलती है ऐश अभी तो तुम उठे क्यों नहीं, तुम्हें तो प्रोफेसर ओक के पास जाना था ना, तुम उठे क्यों नहीं अभी तक, हाँ तुम्हें उसके लेबोरेटरी में जाना था, जल्दी उठो। तो फिर ऐश चिल्लाता है और बोलता है मम्मी तुमने मुझे जल्दी क्यों नहीं उठाया। तो उसकी मम्मी बोलती है तू नहीं तो कहा था कि मैं खुद ब खुद उठ जाऊँगा, और सबको पता है ऐश खुद ब खुद उठेगा, मतलब वो लेट हो जाएगा। तो उसके बाद ऐश का दौड़ा भागा भागा दौड़ा सीन है। उसके बाद हमें सीधा प्रोफेसर ओक की लैब दिखाई गई है, जिसमें प्रोफेसर ओक अपनी गाड़ी पैक कर रहे हैं। और जब ऐश आता है तो वो ऐश से पूछते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ एक यंग प्रोफेसर के न्यू लेबोरेटरी ओपनिंग सेरेमनी में, तो तुम आना चाहते हो क्या, तो मैं उस प्रोफेसर को जानता हूँ, तो तुम आना चाहते हो। तो ऐश खुशी खुशी बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं ज़रूर आऊँगा इसके लिए। और जैसे ही ऐश एकदम मस्त वाला खुश होता है और बैठने वाला होता है गाड़ी में, तो पीछे से एक आवाज़ आती है ओके ठीक है। तो पीछे जब वो देखता है, तो वो देखता है मम्मी और उसके मिस्टर माइंड को। तो ऐश पूछता है आप यहाँ, तो वो बोलती है हाँ मैं भी आ रही हूँ। बोले आप भी आ रहे हो, ऐसे सैड चेहरा बना के। पर उसके बाद सब लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। और उस बीच दौरान रास्ते में ऐश को दिखता है बहुत सारे पोकेमॉन, जैसे बटरफ्ली, डिग्लेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। सो और फिर प्रोफेसरों के ऐश को एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम अभी भी पोकेमॉन मास्टर बनना चाहते हो। तो ऐश बोलते हैं हाँ, वो भी मेरे पिकाचू के साथ। तो ऐसा कोई सवाल इंटरेस्टिंग था, मेरे को पसंद आया। फिर वो लोग पहुँच जाते हैं वर्मेलियन सिटी में, जहाँ पे वो नया लैब खुलने वाला है। सो आई गेस वो लैब ऐसा दिखेगा। सो अभी यहाँ पे ऐश जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब उसे एक यांपर दिख गया। तो वो उस यांपर को पकड़ने में लग गया, यानी उसके साथ खेल रहा था, उसे हाथ लगाना था, पर वो यांपर उसे दे नहीं रहा था। तो यांपर भाग रहा था, तो पर ऐश ने यांपर को पकड़ लिया। पर आई गेस वो उसकी गलती थी यांपर को पकड़ना, क्योंकि इसने यांपर को पकड़ा तो यांपर ने उसे एक थंडर शॉक दे दिया या फिर थंडर बोल्ट दे दिया, जो भी हो। पर जो यांपर है वो पिकाचू का अच्छा दोस्त बन गया था। और दोस्तों उसके बाद प्रोफेसर आते हैं और ऐश को बोलते हैं ऐश क्या तुम लेट नहीं हो रहे हो ओपनिंग सेरेमनी के लिए। तो ऐश अपना चेहरा उलझा ठीक करता है और वहाँ से रेडी होता है ओपनिंग सेरेमनी की तरफ बढ़ने के लिए। दोस्तों फिर हमें प्रोफेसर दिखाए गए हैं जो नए वाले हैं, तो वो कुछ बता रहे थे पोकेमॉन्स के बारे में सब लोगों को कि ऐसा होता है वैसा होता है। और फिर ये प्रोफेसर कुछ हाईली टेक्नोलॉजीज वाले हैं, तो वो अपने टेक्नोलॉजी से बता रहे थे कि पोकेमॉन्स पानी में रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, ग्राउंड में भी रहते हैं, ऐसा वैसे बैटल करते हैं, ट्रेनर्स के साथ रहते हैं, इस दुनिया में मिलजुल के रहते हैं, ऐसा कुछ बता रहे थे। और दोस्तों ऐसा जो कि पीछे तुम लोग देख रहे हो, इतना हाईली टेक्नीशियन प्रोफेसर है। और उसके बाद ये लड़की दिखाई गई है, ये सोच रहे गो के बारे में कि गो कहाँ है, अभी तक आया नहीं, वो स्कूल भी नहीं आया। और उसके बाद हमें ये माउंटेन का सीन दिखाया गया है। उसके बाद हमें गो दिखाया गया है बुक्स के साथ, जी हाँ वो कुछ तो स्टडी कर रहा था, और वो बता रहा था कि अगर ये क्लाउड और ये सब ठीक है, तो कुछ ही देर में यहाँ पे एक रेयर पोकेमॉन ज़रूर स्पॉन होगा। और उसके बाद
प्रोफेसर प्रोफेसर भी कुछ हैरान हो जाते हैं और वो रिसर्च करना चालू कर देते हैं और उस तरह ऐश देखता रहता है। तो रिसर्च करते टाइम वो बोलते हैं कि सबको बताते हैं कि यहाँ पे कुछ लगभग, अगर मेरी रिसर्च ठीक है तो लगभग 20 मिनट में यहाँ पे एक रेयर पोकेमॉन स्पॉन होगा। तो ये सुनकर सारी क्राउड टलबलत हो जाती है कि शायद वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन भी हो सकता है। और ये देख के भाई पिकाचू और ऐश निकल पड़ते भागे दौड़े और पर बीच में उनके स्नोलैक्स आता है। और उधर से गो एज यूजुअल टाइम हुआ रहता है, वो एक्साइटेड रहता है कौन आएगा, कौन सा पोकेमॉन होगा। वो काउंटडाउन भी शुरू करता है 5, 4, 3, 2, 1 जैसा, पर वो थोड़े टाइम के लिए डिसअपॉइंट हो जाता है यार, क्योंकि कुछ नहीं स्पॉन होता और वो अपने पीछे देखता है और ऐसी आंखें बना लेता है यार, और उसके पीछे एक साइडक आया हुआ रहता है। जी हाँ, देख सकते हो एक साइडक स्पॉट हुआ रहता है यहाँ पे, गो आया होता है उधर वाइट साइडक, तो वो बेहतर हो जाता है। पर रुकता है तो देखो यार, फिर लुगिया स्पॉन हो जाता है, स्पॉन यानी लुगिया आ जाता है क्लाउड्स के बीच में से, और फिर सब ट्रेनर्स में खाली बली मर जाती कि हम रुके लुगिया के लिए तो क्यों ना इसे पकड़ के जाए। तो यार सब ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स बाहर निकालते हैं और सबसे अटैक करवाते हैं लुगिया के ऊपर, पर जो है कि यार लुगिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लुगिया सब अटैक को डॉज कर रहता है और रिफ्लेक्ट कर देता है सब अटैक्स को। तो फिर ये हुए छोटे ट्रेनर्स, उसके बाद कुछ बड़े ट्रेनर्स आते हैं, मतलब एज में बड़े ट्रेनर्स आते हैं बड़े पोकेमॉन्स लेके, उसके साथ हमला करते हैं उनके पोकेमॉन्स के साथ, पर कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो उसके बाद फिर लुगिया सबसे डॉज करता है, ये सबके ऊपर री अटैक करता है, पर उसके बाद ऐश मिलता है, फिर ऐश पिकाचू बोलता है पिकाचू थंडरबोल्ट इस्तेमाल करो। तो पर थंडरबोल्ट को भी लुगिया हाइड्रोबूम के साथ एक ये दे देता है, क्या बोलते उसको, हाँ। पर उसके बाद हमें गो दिखाया गया है कि लुगिया मेरे लिए रुको, मुझे भी चाहिए और ये मेरा फ्यूचर है। पर गो एक तरफ से कूद जाता है और दूसरी तरफ से ऐश कूदता है, क्योंकि ऐश लुगिया के पीछे भाग रहा होता है, और दोनों कूदते हैं और लुगिया के ऊपर बैठ जाते हैं। ऐश लुगिया का पैर पकड़ लेता है, गो उसकी पूंछ पकड़ लेता है, और जब ऐश और गो एक दूसरे को देखते हैं और बोलते हैं तुम कौन हो, और ऐसे आंखें बना लेते, और फिर उसके बाद ऐश चढ़ जाता है लुगिया पे और खींचे से गो को खींच लेता है, और दोनों आराम से लुगिया के ऊपर बैठे रहते हैं और दोनों दोस्ती कर लेते लुगिया के ऊपर, और उनको भरोसा नहीं होता कि मैं लुगिया के ऊपर बैठा हूँ। और उसके बाद वो कुछ रिसर्च करता है, फोटोज़ लेता है लुगिया के बारे में, वीडियोस लेता है, और ऐश उसे एक्सप्लेन करता है कि ये कितना अच्छा है कि लुगिया के ऊपर बैठे और ऐसा वैसा पोकेमॉन्स करें। तो फिर लुगिया उन लोगों को डराना चालू कर देता है, यानी उल्टा पुल्टा घूमना उड़ना ऐसा सब वो चालू कर देता है, और दोनों भाई बहुत डरे हुए रहते हैं। पर लुगिया उन लोगों को एक जगह पे गार्डन में ले आता है और वहाँ से उन्हें ड्रॉप कर देता है वाइट रूम के ऊपर, और उधर से पीछे गिर जाते हैं और आराम से, और फिर लुगिया वहाँ से उन्हें बाय करके एक रोड दे के निकल जाता है वहाँ से। वो लोग भी बोलते हैं हाँ लुगिया बाय, और फिर ऐश मतलब बताता है पोकेमॉन्स के बारे में कि ऐसा वैसा गो को, फिर गो भी ऐसा हंसता चेहरा बना के वो लोग दोस्त बने रहते। पर दोस्ती मतलब अभी कुछ लोगों का याद आता कि वो लोग को घर जाना है और वो लोग है कहाँ। और फिर उसके बाद शाम तक बोलते हाज फाइनली वी मेड इट टू द होम, यानी हम लोग घर पहुँच गए। उसके बाद वो लोग प्रोफेसर को सब चीज़ें बताते हैं लुगिया के बारे में, प्रोफेसर खुश हो जाते हैं दोनों की रिसर्च के बारे में, गो ने भी की और ऐश ने एक अनोखी चीज़ बताई जिससे वो बहुत खुश हो गए। और दोस्तों उसके बाद प्रोफेसर उसे उन दोनों को चांस देते कि क्या तुम मेरे रिसर्च फेलोज बनोगे, यानी लैब असिस्टेंट या फिर वैसा कुछ। तो दोनों रेडी हो जाते हैं और उसके बाद ऐश की मम्मी पूछती है पर तुम रहोगे कहाँ पे, तुम पैलेट टाउन से आते हो। फिर ऐश और गो के लिए वो बेड्स दे देते हैं, एक रूम दे देते हैं, फिर वो लोग झगड़ा चालू करते हैं कौन कहाँ सोएगा। और उसके बाद ऐश की मम्मी मिस्टर माइन को भी वहाँ पे छोड़ती है और बोलती है कि तुम्हें ऐश का ध्यान रखना है माइन। और यहाँ पे ये बहुत फनी पार्ट था कि वो ऐश बता रही कि ब्रश करो ये करो वो करो। सो यहाँ पे गो और ऐश रेडी है उनके नए जर्नी के लिए, और यहाँ पे सीन चल रहा था कि गो को मिलने आना था नया पोकेमॉन, पर गो बोला नहीं मुझे म्यू पकड़ना है। तो प्रोफेसर हैरान परेशान, वो भी बोलते ठीक है मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम म्यू पकड़ोगे। तो और इसी के साथ हमारा एपिसोड नंबर 2 यहीं पे ख़त्म होता है।
तो है पोके आर्मी। तो यार कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना आज का ये हिंदी आज का एपिसोड तो तुम्हें कैसा लगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर अब तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जाके सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करता है हर एक सब्सक्राइब और हर एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है वीडियोज़ डालने के लिए। और दोस्तों लाइक करना भी मत भूलना। और तुम्हें कैसा लगा ये एपिसोड टू मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए मैं मिलता तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में या फिर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, सायनारा।